हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपैरिजन। तो वो कंपैरिजन आज हमें देखना है, कंपैरिजन की हम बात करते हैं। कंपैरिजन हमें देखना है एक्सेप्टिव सिस्टम और साथ ही साथ हमें न्यूरल सिस्टम का। ठीक है, ये दोनों सिस्टम बचते हैं, इनका हमें कंपैरिजन देखना है। कंपैरिजन हम किसके बीच में देख रहे थे? हम देख रहे थे कंपैरिजन प्रोटोकॉर्डेट्स के बीच में। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर तीन सब फाइला हम पढ़ते हैं, थ्री सब फाइला। पहला हेमिकॉर्डेटा, दूसरा यूरोकॉर्डेटा और तीसरा सिफेलोकॉर्डेटा। तीनों के ही अंदर हमने एक एक ऑर्गेनिज्म को लिया था और उसी के रिगार्डिंग हम इनके बीच में कंपैरिजन देख रहे थे। हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो आता है बेलेनोक्लोसस, यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आता है वो आता है हर्डमानिया, और जो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आता है वो आता है ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, तो इन तीन ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनके अंदर हमने इनके जनरल कैरेक्टर, फूड एंड फीडिंग हमने देख लिया था, हैबिटेट को हमने देख लिया था, इनके अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल को देख लिया था। ठीक है, और हमने फेरिंग्स को देख लिया था। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसके एक्सेप्टिव सिस्टम और न्यूरल सिस्टम के ऊपर। तो वो कैसे होता उसको हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके अंदर सबसे पहले एक्सेप्टिव सिस्टम के कंपैरिजन की, कि तीनों ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सेप्टिव सिस्टम में किस प्रकार से डिफरेंसेस आते हैं, तो उसको हम देखेंगे। एक्सेप्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो बेलेनोक्लोसस के अंदर एक्सेप्टिव ऑर्गन के रूप में प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, या फिर इसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रोजेक्टिंग होती है जो कि प्रोबोसिस सिलोम के अंदर खुलती है। ग्लोमेरुलस प्रोजेक्टिंग क्या होगी, जैसे हम हमारे अंदर देखते हैं ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो होती है वो बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बहुत ही कॉइल्ड फॉर्म में अंदर होती है, तो इसी तरह से इसके अंदर भी ग्लोमेरुलस के प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं जो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। हार्डमानिया के अंदर अगर हम बात करें कि एक्सेप्टिव ऑर्गन के रूप में, तो हार्डमानिया के अंदर एक्सेप्टिव ऑर्गन के रूप में न्यूरल ग्लैंड काम करती है। ये न्यूरल ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड होती है, मिड डॉर्सली एम्बेडेड होती है मेंटल के अंदर, अबाउ द नर्व गैंग्लियन। जो नर्व गैंग्लिया होता है उस नर्व गैंग्लिया के ऊपर की तरफ मेंटल के अंदर ये एम्बेडेड होती है, एम्बेडेड मतलब धसी हुई रहती है। ठीक है, कौन सी, न्यूरल ग्लैंड, और ये न्यूरल ग्लैंड क्या करती है, एक्सेप्टिव ऑर्गन के रूप में काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा की, तो ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर हमें एक्सेप्टिव ऑर्गन के रूप में 90-100 पेयर्स प्रोटोनेफ्रिडिया देखने को मिलते हैं। और ये प्रोटोनेफ्रिडिया कैसे प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंटेडली वन अबाउ ईच गिल स्लिट्स, मतलब हर एक गिल स्लिट्स के अंदर ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस प्रकार से ये प्रेजेंट हो गई, ये ऐसे गिल स्लिट्स के अंदर ये इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोटोनेफ्रिडिया ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर एक्सेप्टिव ऑर्गन के रूप में काम करता है। सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टिव ऑर्गन, तो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस लाइन बाय पेरिटोनियम एंड कंटेनिंग ब्लड। जो ग्लोमेरुलर प्रोजेक्शंस होते हैं उसके अंदर ट्यूबुलर
प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जैसे ये ग्लोमेरुलस होगा तो उसके अंदर इस तरह से ट्यूब के फॉर्म के अंदर क्या पाए जाएंगे, प्रोजेक्शंस पाए जाएंगे। और ये किसके द्वारा प्रोजेक्शंस बने होते हैं, किसके द्वारा ये लाइंड होता है, ये होते हैं पेरिटोनियम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, पेरिटोनियम के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर ब्लड सेल्स भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसी के अंदर ब्लड सेल्स भी पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा गया कंटेनिंग ब्लड, यहाँ पर ब्लड जो होता है, ब्लड भी प्योरीफाई होता है, मतलब प्योरीफाई इन द सेंस कि ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू। नेक्स्ट हम हार्डमानिया की बात करें तो हार्डमानिया के अंदर न्यूरल ग्लैंड जो होती है वो पेरिफेरल और सेंट्रल ट्यूबुलस, ये किसके अंदर खुलती है, स्मॉल डक्ट ओपनिंग एंटीरियरली बाय लार्ज सीलिएटेड फ्यूनल के अंदर। लार्ज सीलिएटेड फ्यूनल होता है जिसके अंदर न्यूरल ग्लैंड आकर के खुलती है। न्यूरल ग्लैंड किसको कंसिस्ट करती है, पेरिफेरल और सेंट्रल ट्यूबुलस लीडिंग को, और ये एक स्मॉल डक्ट बनाती है, मतलब न्यूरल ग्लैंड जो होगी, ये न्यूरल ग्लैंड इसके अंदर ये इस तरह से एक स्मॉल डक्ट बनाती है, और ये स्मॉल डक्ट जाकर के कहाँ पर खुलती है, ये सीलिएटेड फ्यूनल के अंदर, सीलिएटेड फ्यूनल, सीलिएटेड फनल हम बोलते हैं, ठीक है। जो कीप जो होता है जिसके अंदर बहुत सारे सीलिया जो पाए जाते हैं, तो उस फनल के अंदर ये आकर के खुलती है, और वो फनल कहाँ पर होता है, डॉर्सल ट्यूबरकल के साइड में होता है। कहाँ पर पाया जाएगा, ये डॉर्सल ट्यूबरकल के पास में पाया जाता है। ब्रेंकियोस्टोमा की बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर हर एक जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, कंसिस्ट लोअर वर्टिकल लिम्ब, उसके अंदर लोअर वर्टिकल लिम्ब होता है प्रिमेटिंग बाइंडली एंड द अपर हॉरिजेंटल लिम्ब ओपनिंग बाय अ स्मॉल नेफ्रिडियोपोर इनटू एट्रियम। हर एक नेफ्रिडियम के अंदर दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक होती है लोअर वर्टिकल लिम्ब, ठीक है, जो कि क्या करती है, टर्मिनल वाले रीजन से बाइंड करने का काम करती है। दूसरा होता है अपर हॉरिजेंटल लिम्ब जो कि एट्रियम के अंदर स्मॉल नेफ्रिडियो पोर के रूप में खुलता है। सपोज कि हम बात करें कि ये क्या है, ये है नेफ्रिडिया, ठीक है, ये नेफ्रिडियम के स्ट्रक्चर है। इसके अंदर नीचे वाला ये वाला जो वाला पोर्शन होगा, ये वाला तो कौन सा, ये वर्टिकल लिम्ब से टर्मिनल वाला पोर्शन ये बाइंड करता है, ऊपर वाला है ये हॉरिजेंटल वाले लिम्ब से। यहाँ पर क्या होता है, एक स्मॉल नेफ्रिडियो पोर पाया जाता है, ठीक है, छोटा सा, मतलब यहाँ पर पोर पाया जाएगा। ये पोर जाकर के कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा एट्रियम के अंदर, किस में खुलेगा, एट्रियम के अंदर खुलेगा। तो हर एक नेफ्रिडिया के अंदर दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, लोअर वाली वर्टिकल लिम्ब से बाइंड टर्मिनल वाले रीजन से बाइंड करती है, और अपर वाली एट्रियम के अंदर खुलती है नेफ्रिडियो पोर की हेल्प से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स एक स्ट्रक्चर्स होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करवाती है, या हम बोल सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो बेलेनोग्लोसस के अंदर सोलेनोसाइट्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं। हार्डमानिया की बात करें तो हार्डमानिया के अंदर भी हमें सोलेनोसाइट्स नहीं देखने को मिलते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा की बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर क्या होता है, जो दोनों लिम्ब्स होते हैं गिव आउट सेवरल स्मॉल ब्रांचेज ईच रिसीविंग अ टफ ऑफ फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। मैंने क्या बताया, यहाँ पर ये दोनों लिम्ब से जुड़े होते हैं, ठीक है, दोनों नेफ्रिडियो या नेफ्रिडिया जो होता है उसके अंदर दो लिम्ब होते हैं, लोअर और अपर। तो दोनों लिम्ब जो होते हैं ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, ये स्मॉल ब्रांचेज बनाते हैं, ठीक है। ये स्मॉल ब्रांचेज जो होती है ये क्या करती है, फ्लेम को रिसीव करती है, फ्लेम सेल्स जो होती है उन फ्लेम सेल्स को रिसीव करती है, और उसे ही हमने क्या नाम दिया, सोलेनोसाइट्स। इसी से क्या होगा, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर्स निकली हुई रहती है, ठीक है, और वो क्या कहलाती है, सोलेनोसाइट्स कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की। तो बेलेनोग्लोसस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो पेरिटोनियल सेल्स होती है ग्लोमेरुलस की, वो क्या करती है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्लड द एक्सक्रीटरी पार्टिकल्स ब्लड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ये हमने जो बात की थी यहाँ पर, ये पेरिटोनियम के अंदर। तो बेलेनोग्लोसस के अंदर ये पेरिटोनियम के अंदर जो ब्लड सेल्स आती हैं, इन ब्लड सेल्स से ग्लोमेरुलस क्या करता है, एक्सट्री मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एक्सट्रैक्ट मतलब उसको निचोड़ लेता है, ठीक है, ये अपने अंदर ले लेता है।
डिस्चार्ज देम इनटू प्रोबोसिस सिलोम, और उनको किस में डिस्चार्ज करेगा, वो प्रोबोसिस सिलोम के अंदर डिस्चार्ज करेगा, एंड फाइनली टू द एक्सटीरियर थ्रू प्रोबोसिस स्पोर, और उसके बाद में ये जो प्रोबोसिस स्पोर बना हुआ होता है उस प्रोबोसिस स्पोर के थ्रू ये क्या करता है, बॉडी से बाहर इसको रिमूव कर देगा। कुल मिला के मतलब कि पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के अंदर ये क्या आ रही है, ब्लड सेल्स आ रही है, ये पेरिटोनियम क्या करेगी, इस ब्लड से ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को लेगी, फिर ये आगे पास करेगी प्रोबोसिस सिलोम तक, और प्रोबोसिस सिलोम से फिर प्रोबोसिस पोर के थ्रू ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के एक्सक्रीशन की प्रोसेस चलती है बेलेनोग्लोसिस के अंदर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इन हार्डमानिया, तो हार्डमानिया के अंदर फिजियोलॉजी जो देखने को मिलती है, एक्सक्रीटरी सेल्स और नेफ्रोसाइट्स कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सेल्स होती है या फिर जिन्हें हम नेफ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये नेफ्रोसाइट्स क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद में कलेक्ट करने के बाद में उनको कहाँ डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज थ्रू एपरेचर ऑफ द डक्ट इनटू पेरिब्रैंकियल जोन ऑफ फेरिंग्स। जो फेरिंग्स का पेरिब्रैंकियल जोन होता है उसके अंदर ये डिस्चार्ज कर देती है, और फिर ये कहाँ पर, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव करती है। तो हमने देखा था जब इसका हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था, फेरिंग्स वाले स्ट्रक्चर भी जब पढ़ी थी, तो हार्डमानिया के अंदर फेरिंग्स जो होती है वो फेरिंग्स जाकर के कहाँ खुलती है, एनस के अंदर खुलती है, ये चीज़ हमने पहले देखी थी। तो फेरिंग्स एनस के अंदर क्यों खुल रही है, क्योंकि फेरिंग्स क्या कर रही है, वेस्ट मटेरियल को ले रही है। ठीक है, जो नेफ्रोसाइट्स होते हैं वो नेफ्रोसाइट्स अपना वेस्ट मटेरियल कहाँ पर डाल रहे हैं, वो फेरिंग्स वाले पोर्शन के अंदर डाल रहे हैं, इसीलिए फिर ये फेरिंग्स जाकर के एनस के अंदर खुलती है, और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सेल्स और नेफ्रोसाइट्स कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स, डिस्चार्ज कहाँ करेंगे इनको, पेरिब्रैंकियल, फेरिंग्स का जो पेरिब्रैंकियल जोन होता है उसके अंदर किसके थ्रू करेंगे, एपरेचर होता है डक्ट के अंदर, उसके थ्रू ये डिस्चार्ज करेंगे, और फिर उस फेरिंग से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेंकियोस्टोमा, तो ब्रेंकियोस्टोमा में हमें देखने को मिलता है कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है डिफ्यूज होता है किसके थ्रू, सराउंडिंग ब्लड, ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस, डिफ्यूजन की प्रोसेस सपोज कि ये ब्लड कैप सेल्स है या ब्लड ब्लड कैपिलरीज हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इन ब्लड सेल्स के आसपास क्या है, इनके आसपास ये सेल्स बनी हुई हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स के आसपास ये सेल्स बनी हुई हैं। अब इन ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, इनके अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट है इनका अमाउंट है हाई। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट का अमाउंट क्या है, हाई, और सेल के अंदर अगर हम बात करें तो लो। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस हमेशा क्या कहती है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो जो नाइट्रोजन वेस्ट होंगे वो नाइट्रोजन वेस्ट कहाँ आएंगे, वो सेल के अंदर आएंगे। ठीक है, सबके अंदर कहाँ आएंगे, सेल के अंदर आएंगे। ये ब्लड कैपिलरीज अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ रिमूव करेगी, सेल के अंदर रिमूव करेगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है नाइट्रोजिनस वेस्ट डिफ्यूज फ्रॉम सराउंडिंग ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड इनटू सोलेनोसाइट्स, और ये कहाँ पर आ रहा है, ये जो सेल्स है इन सेल्स को हमने, इनको नाम दिया सोलेनोसाइट्स। क्या नाम दिया, सोलेनोसाइट्स, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ब्रेंकियोस्टोमा में सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। तो सोलेनोसाइट्स में आते हैं, डिस्चार्ज इनटू एट्रियम, एट्रियम में ये डिस्चार्ज किए जाते हैं किसके थ्रू, नेफ्रिडियोपोर के थ्रू डिस्चार्ज किए जाते हैं, एंड पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एट्रियोपोर विद द आउटगोइंग वाटर करंट, और जो बाहर जाने वाला जो वाटर करंट होता है उसके थ्रू ये एट्रियोपोर से बाहर निकल जाता है, और बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है उसके सिक्रेशन में या उसके लिए कौन कौन से हार्मोन यहाँ पर काम करते हैं, तो बेलेनोग्लोसिस के अंदर कोई भी हार्मोन काम नहीं करता है, यहाँ हम बोल सकते हैं एक तरह से इसके अंदर अननोन है। साथ ही साथ हार्डमानिया के अंदर कौन से हार्मोन का, कौन से हार्मोन्स काम करते हैं वो भी हमें नहीं पता, वो भी अननोन है। बट ब्रेंकियोस्टोमा की अगर हम बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर हमें न्यूरल ग्लैंड के अंदर हार्मोन सिक्रेशन दिखाई देता है। न्यूरल ग्लैंड सिक्रीट अ हार्मोन कंट्रोलिंग ओवी पोजीशन, और उस हार्मोन का काम क्या होता है, वो हार्मोन ओवी पोजीशन करता है।
डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पर क्या मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस और डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करता है एंड इज कंसिडर्ड होमोलोगस टू वर्टिब्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस हार्मोन को किसके सिमिलर कंसिडर्ड किया जाता है या किसके होमोलोगस कंसिडर्ड किया जाता है, वर्टिब्रेट के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, जो पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है कशेरुकियों के अंदर, ठीक है, उसके सिमिलर इसको माना गया है कि ब्रैंकियोस्टोमा में न्यूरल ग्लैंड जो होती है वो इसके जैसा काम करती है और इसी से हार्मोन जो होता है वो भी सिक्रेट होता है। और उस हार्मोन का काम होता है कंट्रोल ओविपोजिशन, डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट हेडशेक नेफ्रिडियम जो होता है, तो इसकी अगर बात करें, ये ब्राउन फनल, रीनल पेपिला, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे हायर ऑर्गेन्स होते हैं जो कि बेलेनोग्लोसस और हर्ड मानिया के अंदर हमें नहीं देखने को मिलते हैं। हेडशेक नेफ्रिडियम जो होते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं बेलेनोग्लोसस में, ना ही ये हर्ड मानिया में पाए जाते हैं। ब्राउन फनल की बात करें तो भी ये नहीं पाए जाते हैं, और रीनल पेपिला की बात करें तो भी बेलेनोग्लोसस और हर्डमानिया में दोनों ही नहीं पाए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा की, तो ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर ये तीनों ही स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या होता है इनको देखते हैं, हेडशेक नेफ्रिडियम जो होता है, अ नेफ्रिडियम ऑफ हेडशेक लाइज इन द रूफ ऑफ ओरल हुड, कहाँ पर पाया जाता है, ओरल हुड की जो रूफ होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज सिमिलर टू दोज ऑफ अ प्रोटोनेफ्रिडियम, और इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है ये सिमिलर होता है प्रोटोनेफ्रिडियम के। ब्राउन फनल की अगर हम बात करें तो दो सेक लेक ब्राउन फनल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, डॉर्सली अपॉन फेरिंग्स, फेरिंग्स के डॉर्सल साइड में होते हैं और ऑल्सो कंसिडर टू बी एक्सेक्ट्री ऑर्गन, ठीक है। और ब्राउन फनल को किस फॉर्म में कंसिडर्ड किया जाता है, इसको एक्सेक्ट्री ऑर्गन के रूप में या असेसरी एक्सेक्ट्री ऑर्गन के रूप में इसको कंसिडर कर सकते हैं। रीनल पैपिला की बात करें तो रीनल पैपिला क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स और रीनल पैपिले प्रेजेंट ऑन द एट्रियल फ्लोर, कहाँ पर पाए जाएंगे, ये एट्रियल फ्लोर के वहाँ पर पाए जाएंगे और ऑल्सो कंसिडर टू बी एक्सेक्ट्री, और ये भी एक्सेक्ट्री के फॉर्म में कंसिडर किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंपैरिजन बिटवीन एक्सेक्ट्री सिस्टम। इसमें से जो याद रखना है, एक्सेक्ट्री ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, प्रोबोसिस, ग्लोमेरुलस प्रोजेक्टिंग, इसके अंदर जो होगा वो कौन सा होगा, न्यूरल ग्लैंड, और इसके अंदर होगा प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। फिर याद रखना है इनके अंदर कि फिजियोलॉजी जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है, साथ ही साथ में तो साथ ही साथ हमें फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन तीनों के अंदर ही याद रखनी है। और इसके अलावा हमें केवल जो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन होता है ये याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्रैंकियोस्टोमा में कौन सा एक्सेक्ट्री हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेक्ट्री सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपेरिजन ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम का हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ न्यूरल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ग्रेड मतलब किस लेवल तक का डेवलप्ड होता है, ठीक है, हम इस एक तरह से इसको बोल सकते हैं ग्रेड। जैसे हम ग्रेडिंग करते हैं ना ABC, तो यहाँ पर वही देखा गया कि ग्रेड जो है न्यूरल सिस्टम किस लेवल का डेवलप्ड है। तो बेलेनोग्लोसस के अंदर अगर हम बात करें तो बेलेनोग्लोसस के अंदर हमें ये प्रिमेटिव फॉर्म में दिखाई देता है, रिजेंबलिंग दैट ऑफ सिलेंट्रेट और इकाइनोडर्म्स। किसके सिमिलर होता है, इकाइनोडर्म्स और सिलेंट्रेट जो होते हैं उनके सिमिलर दिखाई देता है। मतलब न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो न्यूरल सिस्टम जो होता है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वेल डेवलप फॉर्म में नहीं होता है। एडल्ट नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो एडल्ट नर्वस सिस्टम इसके अंदर सिंपल होता है, मतलब हर्ड मानिया के अंदर हम बात करें, ठीक है, हर्ड मानिया के अंदर हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, तो एडल्ट के अंदर हमें नर्वस सिस्टम सिंपल दिखाई देता है और डीजनरेट फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर हम बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर न्यूरल सिस्टम जो होता है होता तो सिंपल ही है, बट बेटर डेवलप देन बेलेनोग्लोसस एंड हर्ड मानिया। ये भी सिंपल फॉर्म में होगा, लेकिन थोड़ा सा ये वेल डेवलप, थोड़ा सा ये हायर डेवलप्ड होगा अगर हम हर्ड मानिया और बेलेनोग्लोसस के कंपेरिजन में इसको देखें तो। तो ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर सबसे अच्छा हम बोल सकते हैं इन तीनों के कंपेरिजन में ब्रैंकियोस्टोमा में हमें हायर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है।
स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सब एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ नर्व फाइबर एंड सेल्स। बेलेनोग्लोसस का जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, सब एपिडर्मल प्लेक्सस होते हैं। प्लेक्सस बता दो, सपोज कि जैसे ये कोई गैंग्लिया या कोई स्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर बहुत सारी जब नर्व्स इस तरह से जब लगी हुई होती हैं, जब बहुत सारी नर्व्स इस तरह से जब लगती है तो वो नर्व्स क्या बनाती है, प्लेक्सस बनाती है। तो सेम चीज बेलेनोग्लोसस में भी हमें देखने को मिलती है, इसके अंदर सब एपिडर्मल प्लेक्सस पाए जाते हैं। किसके होते हैं, नर्व फाइबर के होते हैं और सेल्स के होते हैं, नर्व सेल्स के, ठीक है। फॉर्मिंग टू डिफाइनेट स्ट्रैंड और नर्व कॉर्ड्स, ये क्या करती है, दो डिफाइनेट स्ट्रैंड बनाती है या फिर नर्व कॉर्ड बनाती है। एक होती है मिड डॉर्सल और दूसरी होती है मिड वेंट्रल, ठीक है। दो नर्व कॉर्ड बनाएगी, एक ऐसे और एक ऐसे, एक हो गई मिड डॉर्सल MD, एक हो गई MV, ठीक है, मिड वेंट्रल। सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरल सिस्टम इन हार्डमानिया। हार्डमानिया के अंदर अगर हम बात करें तो हार्डमानिया के अंदर सॉलिड नर्व गैंग्लिया पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, जस्ट बिलो द न्यूरल ग्लैंड। जो न्यूरल ग्लैंड अभी हमने बात करी थी एक्सेप्टिव ऑर्गन के रूप में जो काम करती है, उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होगा, नर्व गैंग्लिया पाया जाएगा। ये नर्व गैंग्लिया कैसा होगा, सॉलिड होगा। मिड डॉर्सली इन द मेंटल, ठीक है, कहाँ पर होता है, मेंटल के मिड डॉर्सली होता है, बिटवीन द टू साइफोन, ठीक है, जो दोनों साइफोन्स होते हैं, क्योंकि हमने बात की थी हार्डमानिया के अंदर साइफोन होते हैं, तो दोनों जो साइफोन्स होते हैं उनके ये बीच में पाया जाता है। और नर्व कॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लार्वा। साथ ही साथ अगर हम इसके लार्वल स्टेज की बात करें तो लार्वल स्टेज के अंदर हमें नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है। एडल्ट के अंदर ये डीजनरेट फॉर्म में होता है, बट हमें लार्वल स्टेज में इसमें नर्व कॉर्ड दिखाई देता है। नेक्स्ट ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें, कंसिस्ट ऑफ अ होलो ट्यूब। इसमें न्यूरल सिस्टम के फॉर्म में क्या पाया जाएगा, एक होलो ट्यूब। होलो ट्यूब मतलब एक खोखली ट्यूब, खोखली नली जिसको हम बोलते हैं, खोखली नली पाई जाती है। नर्व कॉर्ड लाइंग मिड डॉर्सली अबाउ द नोटोकॉर्ड, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर की तरफ। जब मैंने आपको ब्रैंकियोस्टोमा का जनरल जब डायग्राम बताया था, कुछ इस तरह का उसका डायग्राम था, तो इसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर दो कॉर्ड हमें दिखाई दे रहे थे, एक यहाँ पर इस तरह से और दूसरा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली ये जो है ये क्या है, ये हो गई नोटोकॉर्ड, ठीक है। और ये कैसी होती है, ये नर्व कॉर्ड जो होती है ये होलो होती है, मतलब ये इस तरह से बनी हुई होगी, ठीक है, जो एंटायर बॉडी तक फैली हुई रहती है, नर्व कॉर्ड। तो इस तरह से इन दोनों की पोजीशंस पाई जाती हैं। तो ये कैसी होती है, होलो होती है। ब्रेन की अगर हम बात करें तो बेलेनोग्लोसस में ब्रेन नहीं होता है, खाली दिमाग का होता है। हार्डमानिया के अंदर बात करें तो हार्डमानिया के अंदर नर्व गैंग्लियन जो होते हैं, सो कॉल्ड ब्रेन और सेरेब्रल गैंग्लियन। सो कॉल्ड ब्रेन हम किसको बोलते हैं, मतलब जो बहुत ही एकदम कम डेवलप होता है, ठीक है, सो कॉल्ड मतलब बहुत ही अल्प विकसित जो होता है हम उसको बोल सकते हैं, मतलब जो किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि नर्व गैंग्लिया जो होते हैं वो क्या करता है, सेरेब्रल गैंग्लिया बनाता है, बट ये कैसा होता है, सो कॉल्ड, मतलब जो कोई काम नहीं कर सकता। अगर हम ब्रैंकियोस्टोमा में बात करें तो एंटीरियर एंड ऑफ नर्व कॉर्ड जो होता है स्लाइटली डायलेट्स होता है, फॉर्मिंग सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेरेब्रल वेसिकल। और ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर भी ये क्या करेगा, एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड मतलब ये आगे वाला, ये वाला जो एंड होगा, ये वाला एंड क्या करेगा, ये भी सो कॉल्ड ब्रेन बनाएगा, ठीक है। मतलब ब्रेन जो होता है वो इतना कोई खास काम का नहीं होता, खास कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी सेरेब्रल वेसिकल या फिर ब्रेन बनाता है। नर्व्स की अगर हम बात करें तो जब ब्रेन ही नहीं है तो ब्रेन से फिर नर्व्स निकलने वाली, तो डिफाइनेट नर्व्स निकलने वाली तो वैसे ही कम होगी। तो बेलेनोग्लोसस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डिफाइनेट नर्व्स लैकिंग हमें देखने को मिलती है। हार्डमानिया के अंदर हम बात करें तो नर्व गैंग्लिया जो होते हैं सेंड्स थ्री नर्व्स, ये तीन नर्व्स सेंड करता है कहाँ कहाँ पर, ब्रैंकियल सिफोन, ठीक है, टू नर्व टू एट्रियल सिफोन और नो स्पाइनल नर्व प्रेजेंट। अच्छा सॉरी, पॉइंट को वापस देखते हैं। नर्व गैंग्लिया जो होता है ये तीन नर्व्स तो सेंड करेगा ब्रैंकियल सिफोन तक। हार्डमानिया के अंदर हम बात करें तो ये सपोज ये नर्व गैंग्लिया ये क्या करता है, ये तीन नर्व्स को तो सेंड करेगा कहाँ पर, ब्रैंकियल
सिफोन तक, और दो नर्व्स को ये सेंड करेगा एट्रियल सिफोन तक। ये दो नर्व है, इन दो नर्व को कहाँ पर ये सेंड करेगा, एट्रियल सिफोन तक। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके है ना जो न्यूरल गैंग्लिया होता है, इस न्यूरल गैंग्लिया से टोटल 5 नर्व निकली हो रखती है। कितनी होती है, टोटल 5 नर्व इसके अंदर निकली होती है, ठीक है। जो दोनों साइड में जो साइफन बने होते हैं उन्हीं साइफन तक ये जाती है। इसके अंदर कोई भी स्पाइनल नर्व हमें देखने को नहीं मिलती है। ब्रेंकियोस्टोमा में बात करें तो दो पेयर सेंसरी सेरेब्रल नर्व निकलती हैं, ठीक है, जो क्या करती है, बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स बनाती हैं, ईच विथ सेपरेट डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट। और ये क्या करती है, यहाँ पर है ना बहुत सारी ये इस तरह की नर्व्स निकली होती हैं, ठीक है, जो स्पाइनल नर्व्स बनाने का काम करती हैं। ऑटोनोमिक सिस्टम की अगर बात करें, मतलब हम तीन तरह के सिस्टम देखते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें या न्यूरल सिस्टम की हम बात करें, तो बेलेनोक्लोसस में इसकी कमी होती है, हर्डमानिया में भी इसकी कमी होती है, लेकिन ब्रेंकियोस्टोमा में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों ही सिस्टम को देख लिया। इसी के साथ में हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट के हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, कौन कौन से, फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, फर्स्ट यूनिट को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहला उसके अंदर हमने देखा था क्लासिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा हमने इसको पार्ट के अंदर डिवाइड किया कंपैरिजन। तो हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और हमारा कंपैरिजन भी कंप्लीट हो चुका है प्रोटोकॉर्डेट्स के बीच में। इसी के साथ में यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट भी क्या हो गई, कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट